हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11th की जो अकाउंट्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग का एग्जांपल नंबर 5 जो पेज नंबर 32 में है उसको हम डिस्कशन करेंगे, उसको हम सॉल्व करना बताएंगे। पहले भी हम एग्जांपल कर चुके हैं, 4 तक कर चुके हैं, आज पांचवा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। आपको इसमें नॉर्मल एक फॉर्मेट बनाना है और दिए वो जितने भी आपको एक्सपेंसेस इनकम्स हैं, ये हेड जो दिए हैं आपको इनके अंदर लिखना है कि ये सारी चीजें किन हेड में आती है। इन सब से आपको आगे जाके जो भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं इसको किस जगह कहाँ पे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, एसेट्स होती है किसी भी कंपनी की, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया है वो बनाया है एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेंस, एक्सपेंडिचर एंड लॉस एंड कैपिटल। तो सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, वो आ जाएगा हमारी एसेट्स में। दूसरा दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, हमारी इनकम हो रही है, तब उसको कहां लिखेंगे, इनकम एंड गेंस में। एक बार आप इन सब चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, आपका ये बेसिक नॉलेज, तो आप आगे जाके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आराम से और इजीली कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी हमारी कंपनी की क्या होती है, एसेट्स, तो उसको कहां लिखेंगे हम, एसेट साइड में। फोर्थ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज होते हैं, तो हम उसको कहां पे लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगला फिफ्थ वन दिया हुआ है बिल रिसीवेबल। हमको बिल रिसीव्ड हुए हैं तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एसेट्स आ जाएंगे, हमारी कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है ना, बिल रिसीवेबल, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे एसेट साइड में बिल रिसीवेबल। अगला सिक्स दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड। हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो हमारी कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, तो कौन से हेड में लिखेंगे हम उसको, एक्सपेंडिचर हेड में, डिस्काउंट अलाउड। अगला सेवन वन दे रहे हैं सन्ड्री डेब्टर्स। डेब्टर्स भी एसेट्स में आएंगे क्योंकि डेब्टर्स वही है। इसमें क्या होता है, जब हम जो प्रीपेड एक्सपेंसेस देखे होंगे, प्रीपेड जो भी हमको एडवांस में पेमेंट मिल जाता है, वो कहां उसकी एंट्री की जाती है, एसेट साइड में, क्योंकि वो हमारी एसेट्स है जिनसे हमें अभी पैसा लेना बाकी है, वो हमारी एसेट्स है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, एसेट साइड में। अगला दिया हुआ है गुडविल। गुडविल भी कंपनी की एसेट्स होती है, तो उसको भी हम एसेट साइड में लिख लेंगे। अगला है फ्राइड। फ्राइड आने के सारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में आता है, इसको भी हम एक्सपेंसेस साइड में लिख लेंगे, जो भी खर्चे होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम हो रही है, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो हम उसको कहां लिखेंगे, इनकम साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगला दे रहे हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज है क्योंकि हमको बिल्स का पेमेंट करना है, तो उसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। अगला दे रहे हैं अमित कैपिटल। कैपिटल है तो नॉर्मल वो अमित की कैपिटल है, तो वो कहां पे जाएगा, कैपिटल कॉलम में, अमित कैपिटल। अगला दे रहे हैं 13 इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट भी क्या है, हमारी इनकम हो रही है, हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया था उसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कहां पे आएगा हमारा, इंटरेस्ट एंड गेन्स में, तो हम यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगला 14 कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटीज होती है, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज साइड में।
अगला 15 है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक यानी कि क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास कौन सा मंथ के एंड में या ईयर एंड में कितना स्टॉक में आपके पास माल बचा है या गुड्स बचा है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। अगला है 16 है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला है 17 कैश एट बैंक। कैश एट बैंक यानी कि ये भी कंपनी की एसेट्स है, कैश जो भी होगा वो क्या होगा, उसकी एसेट्स है, उसके बैंक में जो रखा हुआ है पैसा, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारी एसेट्स। अगला है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हुआ है, हमारी इनकम हुई है, तो हम उसको लिखेंगे इनकम एंड गेंस में, रेंट रिसीव। अगला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 19। तो ये हमारे एक्सपेंसेस है, किसी चीज का रिपेयर कराना, तो हम उसको एक्सपेंसेस साइड में लिख देंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 20 दे रहे हैं। कैरिज, कैरिज भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी हम एक्सपेंसेस हेड में लिख देंगे। 21 है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी लाइबिलिटीज है, जो अभी हमने पे नहीं करी है, हमको पे करना है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, लाइबिलिटीज साइड में। अगला है 22 है कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो वो हमारी इनकम है, तो हम इसको कहां लिखेंगे, इनकम साइड में। अगला है 23 बैंक लोन। बैंक से हमने कुछ लोन लिया है, वो हमारी लाइबिलिटीज है, तो हम उसको कहां लिखेंगे, लाइबिलिटीज साइड में। अगला है 24 इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हमारे एक्सपेंसेस है, तो हम उसको लिखेंगे एक्सपेंसेस हेड में। लास्ट है 25 कॉपीराइट। कॉपीराइट भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की आपकी एसेट्स होती है, तो उसको भी हम लिखेंगे एसेट्स साइड में। यहाँ पे ये एग्जांपल पूरा हो चुका है। ये सिंपल आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी चीज किस हेड में आती है। यदि आपको एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बच्चे को बेसिक से सारी चीजें क्लियर हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैं, मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं उनको पहले एग्जाम्पल ही सॉल्व कराना बताती हूँ कि किस तरीके से करना, जिससे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद स्वयं कर सके आसानी से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।